एक क्वेश्चन था यहां पे कि जो चीज मैं नहीं करना चाहता हूं वो मुझसे बार बार हो रही और जो मैं चाहता हूं वो कर नहीं पा रहा हूं। पापा हाउ आई ओवरकम दिस प्रॉब्लम, आई एम स्ट्रगलिंग विद दिस सिचुएशन, मैं लस्ट से व्यभिचार से 18 साल से पीड़ित हूं, प्लीज हेल्प मी। पिछले हफ्ते आपने एक वचन सुना होगा इंटरनेट के ऊपर जब मैंने सुनाया था कि गॉडलीनेस इज प्रॉफिटेबल अनटू ऑल थिंग्स। क्यों नहीं चाहता शैतान कि आप गॉडलीनेस में रहो, क्यों नहीं चाहता शैतान कि आप पवित्रता में रहो? उसे मालूम है जैसे ही आप गॉडलीनेस में जियोगे आप प्रॉफिट में जियोगे और आपकी लाइफ का हर हिस्सा प्रॉफिटेबल होगा और वो फायदे में जाना शुरू होगा। हालेलुया, कितने इन बातों को समझ रहे हैं। और उसने लिखा कि मैं व्यभिचार से पीड़ित हूं 18 साल से, जो नहीं करना चाहता वही कर रहा हूं, जो मैं करना चाहता हूं वो मैं कर नहीं पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि शैतान आपको वो नहीं करने देना चाहता, क्योंकि वो जानता है कि अगर आप पवित्रता में रहे, अगर आप बाइबल के अनुसार जिए, अगर आपने होलीनेस में आपने जीना शुरू किया तो आपकी लाइफ सेम नहीं रहने वाली। आप हर तरफ में प्रॉफिटेबल जियोगे तब आपकी गवाहियां बनेगी और गवाही के साथ शैतान शर्मिंदा होता है, गवाहियों के साथ दूसरों की जिंदगी में काम होता है और ये शैतान नहीं चाहता कि वो हो। हालेलुया, गॉडलीनेस इज प्रॉफिटेबल अनटू, अपने पड़ोसी को बोलो फिर से गॉडलीनेस, बोलो भक्ति सब कामों में। अगर आपको ये वचन समझ आ गया, पहला तिमोथियुस 4 उसकी 8 आयत कि भक्ति सब कामों में लाभदायक है, आपका बिजनेस हो, आपकी मिनिस्ट्री हो, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ हो, आपकी मैरिड लाइफ हो। और भक्ति का मतलब अकेला प्रार्थना करना नहीं, भक्ति का मतलब है ऐसे जीना जैसे प्रभु यीशु मसीह जीते थे, गॉडलीनेस में जीना, भक्ति में जीना, जिस तरह कौन जीता था? प्रभु यीशु मसीह। उसकी तरह देखना, उसकी तरह काम करना, उसकी तरह चलना, इसका मतलब आप भक्ति में जी रहे हो। और लिखा जो भक्ति में जिएंगे वो प्रॉफिटेबल होगी उनकी जिंदगी, फायदे में होगी सब तरफ। आमीन, कितने समझ रहे हैं इसे। और इसीलिए उसने कहा कि मैं जो करना चाहता हूं वो मैं कर नहीं पा रहा हूं, जो नहीं करना चाहता हूं वो बार बार कर रहा हूं, क्योंकि शैतान नहीं चाहता आप इन चीजों को करो। और कैसे आप अपनी एडिक्शन से बाहर आ सकते हो, आज मैं वो आपको बताने वाला हूं। अगर आपको व्यभिचार की ताकत है, नशे की ताकत है, कोई भी ताकत आपको अगर घेरती है, आप उससे बाहर आ सकते हो। पहली बात, आप जैसे ही अगर आपको व्यभिचार है, जब व्यभिचार का आपको अटैक हो और शैतान आपके दिमाग पे अटैक करे व्यभिचार का, अगर उस टाइम आप कंट्रोल कर लो उसको और उसको डांटो, अगली बार जब व्यभिचार का अटैक शैतान करने के लिए आएगा उसकी पावर पहले से कम हो चुकी होगी। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं। उसने लिखा कि मैं ये नहीं कर पा रहा हूं, ऐसा क्यों? तो पहला जवाब ये, ऐसा इसलिए क्योंकि शैतान जानता है कि एक लाइफ प्रॉफिट में आएगी, उसकी मैरिड लाइफ, उसकी स्पिरिचुअल लाइफ, उसकी उसकी सब जिंदगियां जो उसके साथ जुड़ी हैं। अगर आपका बच्चा नशे करते हैं, आपका भक्ति में जीना उसे प्रॉफिट में लेके जाएगा, नशों से बाहर लेके आएगा। अगर आपके घर आपका घर ब्रेक है, टूटा हुआ है, तो आपका भक्ति में चलना, पवित्रता में चलना, गॉडलीनेस में चलना उस घर को फिर से जोड़ेगा। और ये गारंटी है वो घर जुड़ेगा, ये गारंटी आपकी लाइफ गवाही के साथ वापस आएगी, ये गारंटी है प्रभु के वचन से। इसीलिए शैतान नहीं चाहता, इसलिए आप जो नहीं करना चाहते वो कर रहे हो और जो परमेश्वर चाहता आप करें वो आपसे हो नहीं रहा, क्योंकि शैतान नहीं चाहता प्रभु के अनुसार जिए और चले। हालेलुया। और उसने कहा कि मैं इससे बाहर कैसे आऊं, मैं 18 साल से व्यभिचार में हूं। बाहर आने का एक ही तरीका है, बाइबल में लिखा है जब तू शैतान का सामना करेगा वो तेरे सामने से भाग जाएगा। सामना करने का एक तरीका है, जब शैतान का अटैक आप पे हो, अगर आप व्यभिचार का अटैक होते हैं या नशे का अटैक होते हैं या गुस्से का अटैक होते हैं या किसी भी चीज का अटैक होता है, उस टाइम आपने कंट्रोल करना है उसे। आप जब कंट्रोल करना एक बार सीख गए और आपने शैतान को डांटा, सेकंड टाइम उसकी ताकत कम होगी, आपने फिर कंट्रोल किया, थर्ड टाइम उसकी ताकत कम होगी, फोर्थ टाइम उसकी ताकत कम होगी, आप 10 बार में जीतना सीख जाओगे और आप जीतोगे यीशु मसीह के नाम में। और सेम शैतान है, जब शैतान लोगों पे अटैक करता है वो क्या करता है, वो झूठ के साथ अटैक करते हैं। अगर क्रिश्चियन है, परमेश्वर के भवन में आते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, फिर भी शैतान उसको ये बताने की कोशिश करता है मैं तेरे अंदर हूं, मैं तेरे अंदर हूं, मैं बहुत भारा हूं, मैं बड़ा बड़ा हूं, मैं 18 साल से 20 साल तेरे पीछे हूं, तुझे मुझे फुलाने बाबे ने भेजा, मैं जाऊंगा नहीं। और अगर वो शैतान पे कब्जा करना सीख जाए, जब एक बार शैतान ने उस पर अटैक किया, वो खेलने के लिए मना करे और डांटे उसको अपने अंदर से कि मैं नहीं खेलूंगा, मैं शैतान तुझे डांटता हूं, मैं तुझे निकालता हूं, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम आप शैतान को जाता हुआ और शर्मिंदा होता हुआ देखोगे। लेकिन अगर आप शैतान के सामने सरेंडर कर दोगे,
कि अगर उसने जो भी आपको बोला आपने सरेंडर कर दिया, उसने व्यभिचार के लिए आप बोला आपको एकदम से दिमाग पे व्यभिचार छाया आप पे और आपने अपनी बॉडी को सरेंडर कर दिया उसके सामने, आप कभी छूट नहीं पाओगे। आपको छूटना है, याद रखो परमेश्वर की ताकत आपके अंदर है, आपको कहीं और से नहीं मिलनी। ऑलरेडी जब आप तौबा करते हो, बाइबल बताती है कि परमेश्वर की ताकत आपके अंदर आती है। जिस दिन आप तौबा कर लेते हो, बाइबल बताती है कि परमेश्वर की ताकत आपके अंदर आ जाती है, और जैसे ही आप उस ताकत का यूज करते हो, आपको समझ आते कि वाकई ये परमेश्वर की ताकत मेरे अंदर है। हालेलुया। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? आपको आज ये समझ आएगी कि आप शैतान से कैसे जीत सकते हैं, और वो आपके नाम को खराब करना चाहते हैं। वो बुलाहट जो परमेश्वर ने आपको दी है वो उसको फिनिश करना चाहते हैं। वो बताना चाहता है कि अगर तेरा नाम विक्टरी है तो मैं तुझे हरा के दिखाऊंगा, तेरा नाम अगर अमीर चंद है तो मैं तुझे गरीब करके दिखाऊंगा। वो आपके नाम के विरुद्ध काम करना चाहते हैं। आपका नाम एक बुलाहट है, इसीलिए बोला जाता है अगर आपके नाम का मतलब गलत है तो उसे चेंज करो फटाफट। अगर आपका नाम का मतलब गरीब दास है तो परमेश्वर भी आपको अमीर नहीं कर सकते। आप अमीर हो भी जाएंगे एक दिन फिर गरीब हो जाएंगे, पैसे के हो जाएंगे लेकिन आत्मा में हो जाएंगे, घर में हो जाएंगे, फैमिली में हो जाएंगे। आपको अपना नाम बदलना है और बिब्लिकल नाम रखना है। आमीन। ये कन्वर्जन नहीं। अगर आपका नाम, आप हिंदू घराने से और आपका नाम अभिषेक है तो आपका नाम पहले से सही है। आपका नाम आशीष है, आपका नाम पहले से सही है। हालेलुया। और शैतान क्या चाहता है? आपके आपके वचन, आपके बुलाहट के खिलाफ काम करना, आपको शर्मिंदा रखना। जो परमेश्वर ने आपको बुलाहट दी है उसके खिलाफ आपकी लाइफ में काम करवाना। आज परमेश्वर आपको ताकत दे। अगर आमीन ऊंचा चर्च, मैंने कहा अगर आमीन ऊंचा है वो आपको ताकत दे। मैंने कहा हालेलुया। हर एक जन, आपके परिवार, आपके फाइनेंसेस, आपके लाइफ, जितने भी जन हो, वॉलंटियर्स हो, वो कायर हो, वो लोग हो, वो कोई भी हो, आप किसी भी रीति से किसी भी कारण यहां पे अगर मौजूद हैं, मैं यीशु मसीह के नाम में आपको आशीषित घोषित करता हूं। फालतू चीजों को, फालतू शैतान के चक्रों को आपकी लाइफ से खत्म होने की घोषणा करता हूं। यीशु मसीह के नाम में सेलिब्रेशन की अनॉइंटिंग को आपकी लाइफ के ऊपर रिलीज करता हूं। अगर आमीन आपका ऊंचा है तो आशीष भी ऊंची है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। अपने हाथों को उठाओ वो लोग जो पहली बार यहां पे आए, मैं आपका स्वागत करता हूं यीशु मसीह की प्रेजेंस में। सब लोग, नए लोगों का स्वागत करो। मैं आपको बताना चाहता हूं ये संस्था नहीं जो धर्म बदलती है, ये परिवार है यीशु मसीह का, जहां सिर प्रभु यीशु मसीह, अगुवा प्रभु यीशु मसीह और हम उसके शरीर के अलग अलग अंग हैं। इस परिवार में मैं आपका स्वागत करता हूं यीशु मसीह के नाम में। मीटिंग आमीन होने के बाद आपको आगे आना होगा और उसके बाद आपको एक छोटा छोटा गिफ्ट दिया जाएगा, आपके लिए प्रार्थना होगी। गॉड ब्लेस यू ऑल।